हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, तो उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बारे में आपको दो टाइप्स बता दिए थे, तो उस पर दो है एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर टाइप थर्ड के बारे में सीखेंगे। देखिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 41 की पावर 42 की पावर 43 की पावर 44, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें और डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो। 41 की पावर 42 की पावर 43 की पावर 44। तो देखिए हमने आपको बताया था टाइप वन में, हमने आपको बताया था कि जब भी आपका जो यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 आ जाता है तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा वही आएगा, यानी 0 का 0 होगा आंसर, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6। पावर चाहे कुछ भी हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, पावर आप चाहे जितनी भी करो, अगर आपका 0 लिखा है तो 0 ही आंसर आएगा, 1 लिखा है तो 1 ही आंसर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट डिजिट आपका क्या लिखा हुआ है, 1। तो इस चीज़ से हमको तो मतलब नहीं है क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट ही कंसिडर करेंगे, तो इस चीज़ को हमने हटा दिया। 1 की पावर आप चाहे कुछ भी करो उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से फॉर्म कर दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा देखने में बड़ा क्वेश्चन लगे और थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर आंसर इसका 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझेंगे इसी पर बेस्ड, 65 की पावर 72 की पावर 65 प्लस 9, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए हमने ये भी आपको बता रखा है कि 0, 1, 5, 6 में आपका जो आएगा यूनिट डिजिट आएगा वो वही सेम होगा, यानी कि यहाँ से आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो आएगा 5 और आगे 9 दे रखा है, तो 5 + 9 कितना होगा, 14। 14 में यूनिट डिजिट क्या है, 4, तो यहाँ से आपका आंसर 4 हो गया। तो देखिए आपका अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो माइनस करते, इंटू होता तो इंटू करते, जैसा कि रिमाइंडर्स वाले में होता था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। यूनिट डिजिट है तो हम यूनिट डिजिट फोकस करेंगे, यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 5 आया है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो आप जो है 5 में 9 ऐड करिए कितना हो गया, 14, और 14 में यूनिट डिजिट आपका 4 हो गया। तो ये तो हमने डिस्कस किया अपना जो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था उस पर, इतना डिस्कशन हो गया। तो देखिए अब हम जानेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 में 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर्स का हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट निकालना जिनके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 43, आपको इसमें बताना है यूनिट डिजिट, आपको इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये सिर्फ 4 डिजिट पर ही अप्लाई होगा, और बाकी के जो हमने 6 डिजिट हैं उन पर ऑलरेडी आपको बता दिया है दो टाइप, ठीक है। तो बचे ये 4 डिजिट, इन पर जो है क्या यहाँ पर आपको अप्रोच लगानी है। तो जो भी आपकी पावर दे रखी होगी, जो आपकी पावर होगी उस पावर को आप जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा बस पावर को वही बना देना है। जैसा कि टाइप 2 में क्या होता था कि जो आपकी इवन पावर होती थी तो इवन पावर को आप 2 बना देते थे, ऑड पावर को क्या करते थे, 1 बना देते थे 4 और 9 के केस में। तो सेम ऐसा ही करना है यहाँ पर, लेकिन दूसरे तरीके से, जो आपकी बड़ी पावर दे रखी है उसको छोटी तो करना ही करना है, किस तरीके से करना है, 4 से डिवाइड करके। हर चारों के लिए हम बात कर रहे हैं, हर कंडीशन में आपको 4 से ही डिवाइड करना है और किसी नंबर से नहीं करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और हमारा आंसर कितना हो गया, 8। आपको यूनिट डिजिट निकालने को दिया गया था तो आप क्या करोगे, जो आपकी पावर है पावर में आप 4 से डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा बस वही रिमाइंडर आपको यहाँ पर लिख देना है, पावर आपकी छोटी हो गई और इसका जो है आंसर आप इजीली लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अगर आपके पास दे रखा हो 7 की पावर 151, यहां पर बताइए यूनिट डिजिट, दे रखा हो 8 की पावर 122, यहां पर बताइए यूनिट डिजिट, और दे रखा हो 3 की पावर 120, आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट बताना है। 3 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमने आपको तरीका बता दिया कि जो भी आपकी पावर दे रखी होगी उस पावर में आप 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपको वहाँ पर लिख देना है, ये आपका प्रोसेस हो गया। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप उसके बाद मैच करिएगा।
अब देखिए 7 की पावर 151 लिखा हुआ है, तो हमने आपको क्या बताया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो वहां पर हम लिख देंगे। यहां से बचा 3, यहां से आपका कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 क्या होता है, 4, 3, 4, 3। इसका जो यूनिट डिजिट क्या हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 की पावर 122 है, तो यहां पर पावर में 4 का डिवाइड करोगे, पावर में 4 का डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां पर जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा और आपका हो गया 64। कितना हो गया 64, यानी यहां पर 4 आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3 की पावर 12943 आपको यूनिट डिजिट बताना है, आपको यहां पर यूनिट डिजिट बताना है इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा यहां पर ये जो पावर लिखी हुई है, इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको बड़ी पावर को रिप्लेस करके डाल देना है। तो अब आप यहां पर इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो टाइम आपका लगेगा। तो देखिए हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल ही आप बता रखा है कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने के लिए आप सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आपका आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पर भी आएगा। तो हम पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे। आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लीजिए, आपका रिमाइंडर 3 आएगा। इसमें भी आप लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करोगे 4 से, तभी आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। तो देख सकते हो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल की कितनी आवश्यकता पड़ रही है, कितनी नीड पड़ रही है, और उस नीड से आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। इसमें अगर आप पूरा डिवाइड करोगे 4 से, तो जितना टाइम लगेगा आपको 4 से डिवाइड करने में, उतनी देर में आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 27, और 27 में यूनिट डिजिट कितना होता है 7, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब यहां पर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट करिएगा और लिख दीजिए बड़ा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है इस केस में, जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, यहां पर जब आप इस नंबर को लास्ट के 2 डिजिट है, हम यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तब आपको क्या करना है, तो जैसा कि हम सारे क्वेश्चंस में बता रहे हैं कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर बना देना है, लेकिन आपका रिमाइंडर बच गया 0, तो आप यहां पर 3 की पावर 0 करोगे और 3 की पावर 0 = 1 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए 2, 3, 7, 8 के केस में, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर 0 के केस में 0 नहीं लेंगे, रिमाइंडर 4 लेंगे। 0 के केस में जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तब आपको रिमाइंडर क्या लेना है, 4 लेना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 होता है 81, और इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 3 के केस में करेंगे, सारे के सारे, मतलब 2 के केस में भी करेंगे, 3 के केस में भी करेंगे, 7 और 8 चारों के केस में यही करेंगे। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 की पावर 1200, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। 7 की पावर 1451, इसमें बताना है यूनिट डिजिट। 7 की पावर 1200, इसमें आपको यूनिट बताना है। 2 की पावर 1905, 3 की पावर, तो यहां पर 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर 8 की पावर 100, सभी में आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां पर पावर 0 नहीं करेंगे, पावर 4 करेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 16, और यूनिट डिजिट 6 हो गया। जब आपका नंबर यानी जो पावर है आपकी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, उस केस में आपको क्या करना है, जो पावर है उसको 0 नहीं करेंगे, उसको 4 कर देंगे। देखिए इस केस में आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है और देखना है कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो यहां से जब आप देखोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3, यहां से आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा।
सेवन की पावर थ्री यानी फोर, थ्री फोर थ्री, और आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में वन वन टू जीरो जीरो, इसको जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो इसको जब फोर से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका जीरो आएगा। तो सेवन की पावर जीरो ये नहीं करना है, क्या करना है, सेवन की पावर फोर। सेवन की पावर फोर आप लोगों को बताया था 2401 होता है, इसको याद रखना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, वन, तो आपका आंसर क्या हो गया, वन, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट के टू डिजिट को फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा, तो ये हो जाएगा टू की पावर वन, आपका आंसर टू। इस क्वेश्चन में लास्ट के दो डिजिट पर फोकस करिए, फोर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, थ्री आएगा, तो थ्री की पावर थ्री, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो गया, सेवन, थ्री की पावर थ्री 27, यानी सेवन। एट की पावर हंड्रेड, हंड्रेड को फोर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो हुआ इसका मतलब एट की पावर जीरो करेंगे, नहीं गलत, एट की पावर फोर करेंगे, एट की पावर कितना करना है, फोर करना है। तो देखिए एट, एट क्यूब कितना होता है, फाइव वन टू, एट क्यूब कितना होता है, फाइव वन टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एट से और यहाँ से यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, छः इसका आंसर हो गया। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ इसके जो है यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर 8 की पावर 4 हमको लाना था, तो 513 इंटू 8, 8 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपको कराए। तो देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखिएगा। ये तो हमने सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2017 मेंस का है, ठीक है, 2017 ये मेंस का क्वेश्चन है और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें अब यूज़ हो जाएंगे, जितना हमने आपको अभी तक बताया है वो सारा का सारा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, अब देखिए सबसे पहले तो आप इन नंबर्स को हटा दीजिए क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आप बताना है आपको। तो हम ये वाले नंबर्स को सारे के सारे हटा देंगे, जो यूनिट डिजिट है सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। ये सारे के सारे इस नंबर से हमको कोई भी मतलब नहीं है। सेवन, सेवन लिखा हुआ है, सेवन टाइप थ्री में आता है, तो टाइप थ्री वाले में क्या 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 करते हैं, फोर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही पावर बना देते हैं। सेवन की पावर इसमें आपको फोर से डिवाइड करना है तो आपका क्या हो जाएगा, सेवन की पावर वन, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना यहाँ से बचेगा, वन बचेगा। नाइन के केस में क्या करते हैं, फोर और नाइन के केस में आपको यूनिट वो इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना होता है। फोर और नाइन के केस में आपको इवन और ऑड देखना पड़ता है। पावर यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ऑड लिखी हुई है, तो ऑड पावर के लिए आप क्या करोगे, सबसे छोटा ऑड नंबर वन होता है, वन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा रिविजन होने वाला है। देखिए फोर के केस में क्या करते हैं, इवन ऑड करते हैं, तो यहाँ पर ही जो नंबर लिखा हुआ है ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या करोगे, सबसे छोटा इवन नंबर टू होता है तो यहाँ पर कर देंगे टू। अब टू की पावर लिखा हुआ है, टू के केस में क्या करते हैं, टू के केस में ये टाइप थ्री हो गया, टू के केस में हम जो पावर होती है उसमें फोर का डिवाइड करेंगे। पावर में फोर का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए पावर क्या लिखी हुई है, ट्वेल्व, ट्वेल्व को जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा जीरो, तो आप यहाँ पर लिखोगे टू की पावर जीरो, नहीं, टू की पावर आपको जीरो नहीं करना है, आपको क्या करना है, टू की पावर फोर। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है ताकि आप यहाँ पर जीरो कर दो, तो वो सब नहीं आपको करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सेवन, सेवन इंटू नाइन कितना हो गया, 63 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 इंटू 16, ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखे हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, बस आप यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। 6 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 18, 18 का 8 ले लेंगे, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 18, तो 18 का हम 8 ले लेंगे और आगे क्या लिखा हुआ है, 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 48 में आपका 8 हो गया आंसर। देखिए आपको मल्टीप्लाई कराना है और फिर जो भी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट आता है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। 7 इंटू 9 क्या हुआ, 63 में सिर्फ आपको 3 पे फोकस करना है। ऐसे यहाँ पर 16 ये हुआ और यहाँ पर भी ये क्या हुआ, 16, तो इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारा क्या आया, 6, और 3 की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या आएगा, 18, और यहाँ से क्या हुआ, 6, तो फिर से हम यहाँ पर यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, 8 और 6, यहाँ पर लास्ट में आपका 8 बचा।
तो हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो सारा का सारा हम यूनिट डिजिट पर ही कंसिडर करेंगे, फोकस करेंगे, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और इसका आंसर 8 हो गया। CGL मेंस का क्वेश्चन है 2017 का, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 98 - 3 की पावर 89। आपको यहाँ पे बताना है यूनिट डिजिट, आपको यहाँ पे बताना है यूनिट डिजिट। तो देखिए, प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना होता है। तो इसका यूनिट डिजिट लिख लेंगे और इसका यूनिट डिजिट लिख लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, 3 के केस में 2378, इसके केस में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 2। यहाँ पर पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1, 3 की पावर 1। तो 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 6। तो देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया तो सबसे पहले हम अलग अलग यूनिट डिजिट निकाल लेंगे और जो भी आपका साइन दे रखा होगा वो साइन यहाँ पर लगाकर अपना जो है वैल्यू वो निकाल लेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 973 की पावर 24 फैक्टोरियल 24 की पावर 14 फैक्टोरियल, और आपको जो है यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए, हमने फैक्टोरियल के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि फैक्टोरियल को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और फैक्टोरियल का जो है वैल्यू क्या होती है, वो सारा का सारा हमने आपको बता रखा है। तो अब आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा, यूनिट डिजिट के अलावा जो भी नंबर होगा उसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर इसको भी हटा देंगे। तो इतना काम हो गया, ये जो फालतू के हमारे पास डिजिट थे हमने उसको सारे के सारे हटा दिए। अब आते हैं 3 पर, ठीक है। तो 2378 के केस में पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो जब आप यहाँ पर 4 का डिवाइड करोगे, ये जो पावर लिखी हुई है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 24 फैक्टोरियल जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर 3 की पावर 4 होगा, क्योंकि जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो उस केस में आपको पावर 4 करनी होती है। इधर यहाँ पर बढ़ेंगे 14 फैक्टोरियल, और आपका बेस क्या है, 4। 4 और 9 के केस में आपको इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना पड़ेगा। 4 और 9 के केस में आपको इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना पड़ेगा, और जो 14 फैक्टोरियल होता है वो एक इवन नंबर होता है। 14 फैक्टोरियल क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर 4 की पावर 2, यानी 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6। आपका आंसर कितना हो गया, 6 ही हो गया। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, 82 की पावर 87 की पावर 89 की पावर 91। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है वो कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे, इस 8 से हमको मतलब नहीं तो इसको हमने हटा ही दिया, ठीक है। इस 8 से हमको मतलब नहीं, इसको हमने हटा दिया, हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो 2378 के केस में आपको जो पावर होती है, पावर में 4 का डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है। 2378 के केस में पावर में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है। पावर हमारे पास कितनी है, पावर है ये। तो जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी 87 की पावर 89 की पावर 91, इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। इसमें आपको 4 का डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। इतना कर लेने के बाद में हम फिर अपने क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि हमने इस ये क्यों किया? हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 2378 के केस में आपको पावर में 4 का डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको अच्छे से बता रखा है कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो जब आप 4 को 87 से डिवाइड करोगे, 87 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि हमको डायरेक्ट रिमाइंडर -1 मिल जाएगा। यहां पर हमको रिमाइंडर डायरेक्ट -1 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 4, तो ये एक 2 बार हुआ और फिर से हम यहां पर 2 बार कर देंगे और हमारा रिमाइंडर -1 हो गया। अब रिमाइंडर आपका -1 आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कहीं पर अगर +1 बन जाए या -1 बन जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
यहां पर रिमाइंडर आपका माइनस वन बन चुका है, और माइनस वन की पावर, माइनस वन की पावर अब आपको देखना पड़ेगा यहां पे पावर इवन है या फिर ऑड है, पावर यहां पर आपकी इवन चल रही है या फिर ऑड चल रही है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो 89 की पावर 91, ये नंबर आपको चेक करना है या इवन है या फिर ऑड है, ये नंबर आपको चेक करना है इवन है या ऑड है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारा क्या था, और हमने यहां पर इसको रिमाइंडर थ्योरम में पहुंचा दिया, फिर उसके बाद यहां पर अब हमको चेक करना पड़ेगा ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो अब आप देखोगे ये नंबर लिखा हुआ 89 की पावर 91 का मतलब क्या है, 89 की पावर 91 का मतलब ये है कि हमने 89 को बार बार मल्टीप्लाई किया है, कितनी बार, 91 बार, ठीक है। तो हर जगह पर 89 लिखा हुआ है, तो क्या कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, जब हर जगह पर ये 3 का मल्टीपल चल रहा है, यहां पर कहीं पर भी 2 है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर होगा, ये नंबर कहीं पर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब यहां पर कहीं 2 नहीं दिख रहा है आपको, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब कि ये नंबर ऑड है, ये नंबर ऑड है तो इसका मतलब है माइनस वन की पावर, यहां से जो रिमाइंडर आपका आएगा माइनस वन की पावर 89 की पावर 91, वन की पावर ऑड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर ऑड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। रिमाइंडर आपको माइनस वन नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए आपको इसमें डिविजर ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया, 3 आपका रिमाइंडर हो गया। तो बड़ी पावर को आप छोटी पावर में कन्वर्ट कैसे करते हो, बड़ी पावर को आपने 4 से डिवाइड किया और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर बड़ी पावर के स्थान पर आपको रख देना है। तो ये जो आपका पूरा लिखा हुआ था, अब इसकी जगह पर आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, जैसा कि हम अभी तक पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। पावर बड़ी होती थी, 4 से डिवाइड करके हम उसमें जो है जो रिमाइंडर आता था वही रख देते थे। तो यहां पर हमने डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला और यहां पर हम 3 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये जो क्वेश्चन था अब ये बन चुका है 2 की पावर 3। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो 8 हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मतलब यहां पर 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां पर। तो मोस्टली बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए कि इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। और स्टार्टिंग में हमने आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन कराया था जिसमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, तो 1 की पावर आप चाहे कुछ भी करो वो 1 ही आता है। यहाँ पर अगर 5 कर दें, अगर हम 5 कर दें तो सारे का सारा आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, अगर 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 की पावर आप कुछ भी करो तो आपका जो आंसर है वो 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 कर दें तब भी आपका क्या होगा, 6 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 0 कर दें तो आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। तो ये सारा का सारा आप नोट करते रहिए, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पर 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, 7 कर दोगे, 8 कर दोगे, तब यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से वर्क करेंगी, क्योंकि 2, 3, 7, 8 के केस में क्या होता है, हम पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहले तो आपका क्या काम रहेगा कि इसके यूनिट डिजिट पर फोकस करिए, इसका भी यूनिट डिजिट देखेंगे और ये जो टर्म है इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ का जो यूनिट डिजिट है उसको देखेंगे और बाकी जो ये कैंसिल कर देंगे, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। 5 की पावर कुछ भी करो तो आपका 5 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी करो तो आपका 5 ही आएगा। 3 की पावर में क्या करना होता है, 3 की पावर में आपको 4 का डिवाइड करना होता है, तो वो भी हम डिवाइड केवल लास्ट के 2 डिजिट में ही करेंगे। तो यहां से कितना आएगा, जो 4 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका यहां से 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि 3 की पावर 1, तो 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। तो यहां से आपका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, यूनिवर्सल है, सभी में अप्लाई होगा। अगर आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर, उसकी पावर एन दे रखा है, अगर एनी नंबर है उसकी पावर एन दे रखा है और यूनिट डिजिट यहां पर अगर दे देते हैं यूनिट डिजिट एक्स, कोई भी नंबर है हमारे पास उसकी पावर एन है, कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है उसकी पावर एन है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो एक्स अगर होगा, तो इस केस में उस नंबर की एन प्लस 4 का भी यूनिट डिजिट एक्स ही आएगा।
कोई नंबर है हमारे पास, उसकी पावर n है, n करने पर आपका यूनिट डिजिट x आता है, तो उसी नंबर की n प्लस 4 करोगे पावर, तब भी आपका यूनिट डिजिट x ही आएगा। एग्जांपल से इसको समझिए, अगर 1 की पावर 6 दे रखा है, 1 की पावर 6 है, मतलब कि 1 की पावर 10, यूनिट डिजिट आपका 1 ही होगा। दूसरा एग्जांपल, 2 की पावर 10, इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 1024, यानी कि 4 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट होता है 4, तो यहाँ पर करेंगे 4, तो यही डिजिट 2 की पावर 10 प्लस 4 का भी होगा। 2 की पावर 10 है तो वही सेम डिजिट जो है वो 2 की पावर 10 प्लस 4 का होगा, मतलब कि ये होगा 2 की पावर 10 प्लस 4 प्लस 4 का भी यही होगा, ये क्रम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर 4 के बाद में जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट करता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 10 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 14 का भी होगा, वही जो है वो 2 की पावर 18 का भी होगा, ठीक है। अगर हम कहें 3 की पावर, तो ये सारे के सारे डिजिट के साथ में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ स्पेशल कोई होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे डिजिट के साथ में सेम होता है। अगर क्वेश्चन में इसको देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं, अगर क्वेश्चन में आपका दे रखा है, सपोज मान लेते हैं 3 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है वो आपको दे रखा है 1, 3 की पावर x है उसका यूनिट डिजिट दे रखा है 1, तो और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x का यूनिट डिजिट 1 है तो आपसे पूछा जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 का यूनिट डिजिट बताइए। तो इस चीज का क्या मतलब है कि 3 की पावर x प्लस 4 का भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 3 की पावर x का हमको दिया हुआ है तो 3 की पावर x प्लस 4 का यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। अगर 3 की पावर x प्लस 4 का यूनिट डिजिट 1 है तो 3 की पावर x प्लस 8 इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, जैसा कि हमने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बता रखा है, किसी नंबर की पावर n है तो उसी नंबर की n प्लस 4 जो पावर हो जाएगी, मतलब कि पावर को अगर आप 4 से बढ़ा दोगे, पावर को 4 से इंक्रीज कर दोगे, तो जो यूनिट डिजिट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट आपका सेम रहेगा। तो पावर देखिए, हमने यहाँ पर 4 को इंक्रीज किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से 4 को इंक्रीज कर दिया, तो पहले भी 1 था, फिर भी 1 है और उसके बाद भी 1 है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है यूनिट डिजिट का, और ये लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बच रहा था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में आपका जो है एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम जो है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हमारा अभी टॉपिक बचा हुआ है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, प्रोडक्ट फैक्टर जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है यूनिट डिजिट वाली शीट को प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।